मुरैना के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल बटेश्वरा के विष्णु मंदिर को सुरक्षित विसर्जने के लिए इंफोसिस फाउंडेशन ने बढ़ाया हाथ। फाउंडेशन ने मंदिर के लिए 4 करोड़ की दी राशि। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक वयस्क बाघ की हुई मौत, तो वहीं पनपथा को सीमा से लगे जंगल में तेंदुओं को शिकारियों ने उतारा मौत के घाट। रायपुर में पिछले 27 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों की मंत्रियों से चर्चा शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे के निवास में मंत्री और किसानों की ये बैठक रखी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागौर पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री और विधायक नागेंद्र सिंह के छोटे भाई कांति सिंह जूदेव के निधन पर शोक प्रकट किया। आज स्वर्गीय कांति देव सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया था और यशस्वी जीवन उन्होंने दिया और सदैव अपने अलावा लोगों की समाज की चिंता की। नागेंद्र सिंह जी का ये परिवार सचमुच में एक आइडियल आदर्श परिवार है। इतना बड़ा परिवार लेकिन सारा परिवार साथ रह के पुराने आदर्शों पर चलता है। मैं स्वर्गीय कांतिदेव सिंह जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि सरकार ने पाठ्यक्रम करने के लिए समिति गठित कर दी है। समिति में 10 सदस्य होंगे। दुनिया की स्टडी भी ये कहती है कि किसी भी तरह की पढ़ाई या लर्निंग या सीख यदि मातृभाषा में होगी तो उसके परिणाम और ज्यादा सुखद होंगे। ये बहुत सारी साइंटिफिक और वैज्ञानिक स्टडी में सामने आया है, इसलिए हमने भी निश्चय किया है कि पाठ्यक्रम में बिना किसी बदलाव के केवल हिंदी में भी वो पाठ्यक्रम आ सके, इसकी हमने तैयारी कर ली है। हमने एक कमेटी बनाई है उच्च स्तरीय, हमने उसकी कल मीटिंग भी की थी और ये निर्णय लिया है कि हम पाठ्यक्रम के अनुवाद के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जो लेक्चर होंगे उसमें भी हिंदी भाषा का पूरा समावेश हो। नकली घी, दूध और पनीर बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। मुरैना में एक डेयरी संचालक को सिंथेटिक पनीर बनाते हुए औषधि प्रशासन की टीम ने पकड़ा। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन, क्षेत्रवासियों को दी सौगात। देखिए, लगभग आप सुबेरे से पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर देखें तो करोड़ों की जो सौगात है माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से हमारे पूरे क्षेत्र की जनता को प्राप्त हुआ है। उसमें 3.5 करोड़ के सड़क की बात करें पाराडोल में, फिर यहाँ सिंधुगाड़ में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा की लागत का जो सड़क है उसकी बात करें, या फिर मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में 2.5 करोड़ से ज्यादा के जो विभिन्न विकास कार्यों के जो आज भूमि पूजन का जो अवसर है उसके लिए मैं सभी को क्षेत्रवासियों को पूरे हमारे आदरणीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी पार्षदगणों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। जोबट में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस से की शिकायत, आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। ये कल रात को एक नाबालिग पीड़िता थाने आकर सूचना दी कि उसके पिता ने ही उसके साथ में दिनांक 26/1/2022 के रात लगभग 11 बजे उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट पर से हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर हमने कोर्ट केस कर दिया और माननीय न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया। खेल सामग्री में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद जिला प्रशासन द्वारा जांच की गई, डीआरसीओ की जांच प्रारंभ की गई। कटनी में मिशन चौक स्थित मरही माता मंदिर के पास गली में एक बुजुर्ग की रूम में लाश मिलने से मोहल्ले में फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस। अभी
नूर मोहम्मद जो सीतापुर का निवासी है उत्तर प्रदेश का, उसके मौसेरे भाई ने सूचना दिया कि वो वृद्धावस्था में अपने कमरे में पड़े हुए हैं। इनका 2-3 दिन से स्वास्थ्य खराब था, मौके पर जाके देखा गया तो उसके गले पे चोट के निशान है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हत्या हुई है, कल हम PM कराएंगे, उसका PM रिपोर्ट मिलने के बाद। मुरैना के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल बटेश्वरा के विष्णु मंदिर को सुरक्षित में सहजने के लिए इंफोसिस फाउंडेशन ने बढ़ाया हाथ। फाउंडेशन ने मंदिर के लिए 4 करोड़ की दी राशि। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक वयस्क बाघ की हुई मौत, तो वहीं पनपथा को सीमा से लगे जंगल में तेंदुओं को शिकारियों ने उतारा मौत के घाट। रायपुर में पिछले 27 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों की मंत्रियों से चर्चा शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे के निवास में मंत्रियों और किसानों की ये बैठक रखी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागौद पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री और विधायक नागेंद्र सिंह के छोटे भाई कांति सिंह जूदेव के निधन पर शोक प्रकट किया। आज स्वर्गीय कांति देव सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया था। बहुत यशस्वी जीवन उन्होंने जिया और सदैव अपने अलावा लोगों की समाज की चिंता की। नागेंद्र सिंह जी का ये परिवार सचमुच में एक आइडियल आदर्श परिवार है। इतना बड़ा परिवार लेकिन सारा परिवार साथ रह के पुराने आदर्शों पर चलता है। मैं स्वर्गीय कांतिदेव सिंह जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि सरकार ने पाठ्यक्रम समेत अन्य तैयारियां करने के लिए समिति गठित कर दी है। समिति में 10 सदस्य होंगे। दुनिया की स्टडी भी ये कहती है कि किसी भी तरह की पढ़ाई या लर्निंग या सीख यदि मातृभाषा में होगी तो उसके परिणाम और ज्यादा सुखद होंगे। ये बहुत सारी साइंटिफिक और वैज्ञानिक स्टडी में सामने आया है। इसलिए हमने भी निश्चय किया है कि पाठ्यक्रम में बिना किसी बदलाव के केवल हिंदी में भी वो पाठ्यक्रम आ सके, इसकी हमने तैयारी कर ली है। हमने एक कमेटी बनाई है उच्च स्तरीय, हमने उसकी कल मीटिंग भी की थी और ये निर्णय लिया है कि हम पाठ्यक्रम के अनुवाद के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जो लेक्चर होंगे उसमें भी हिंदी भाषा का पूरा समावेश हो। नकली घी, दूध और पनीर बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। मुरैना में एक डेयरी संचालक को सिंथेटिक पनीर बनाते हुए औषधि प्रशासन की टीम ने पकड़ा। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। क्षेत्रवासियों को दी सौगात। देखिए लगभग आप सुबेरे से पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर देखें तो करोड़ों की जो सौगात है माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से हमारे पूरे क्षेत्र की जनता को प्राप्त हुआ है। उसमें 3.5 करोड़ के सड़क की बात करें पाराडोल में, फिर यहाँ तेंदुगाड़ में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा की लागत का जो सड़क है उसकी बात करें, या फिर मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में 2.5 करोड़ से ज्यादा के जो विभिन्न विकास कार्यों के जो आज भूमि पूजन का जो अवसर है उसके लिए मैं सभी को क्षेत्रवासियों को पूरे हमारे आदरणीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी पार्षदगणों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। जोबट में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस से की शिकायत, आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। कल रात को एक नाबालिग पीड़िता थाने आकर सूचना दी कि उसके पिता ने ही उसके साथ में दिनांक 26/1/2022 के रात लगभग 11 बजे उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट पर से हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर हमने कोर्ट केस कर दिया और माननीय न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया।
खेल सामग्री में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद जिला प्रशासन द्वारा जांच की गई, बीआरसीओ की जांच प्रारंभ की गई। कटनी में मिशन चौक स्थित मरही माता मंदिर के पास गली में एक बुजुर्ग की रूम में लाश मिलने से मोहल्ले में फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस। अभी नूर मोहम्मद जो सीतापुर का निवासी है उत्तर प्रदेश का, उसके मौसेरे भाई ने सूचना दिया कि वो वृद्धावस्था में अपने कमरे में पड़े हुए हैं, जिनका दो तीन दिन से स्वास्थ्य खराब था। मौके पर जाके देखा गया तो उसके गले पे चोट के निशान है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हत्या हुई है, कल हम पीएम कराएंगे, उसका पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई। मोरैना के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल बटेश्वरा के विष्णु मंदिर को सुरक्षित व सहजने के लिए इंफोसिस फाउंडेशन ने बढ़ाया हाथ, फाउंडेशन ने मंदिर के लिए 4 करोड़ की दी राशि। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक वयस्क बाघ की हुई मौत, तो वहीं पनपथा को सीमा से लगे जंगल में तेंदुओं को शिकारियों ने उतारा मौत के घाट। रायपुर में पिछले 27 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों की मंत्रियों से चर्चा शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे के निवास में मंत्रियों और किसानों की ये बैठक रखी गई।